मंजूर नहीं होता। प्राइस उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको जो सरकार देते हैं वो उसका खर्चा से कम है। इसके वजह से किसान का लगातार नुकसान के कारण आज किसान महाराष्ट्र में खुदकुशी करता था लगातार। मगर इस बार जो एक नया चीज़ शुरू हुआ, ये पिछले इस महीना दो तीन महीना में जो अनसीजनल रेन हुआ, काफ़ी बारिश हुआ और उस बारिश से जो खड़ा फसल था, खड़ा फसल बर्बाद हो गया, लाखों एकड़ जमीन का फसल बर्बाद हो गया। तो किसान जब अपनी खेती में गया, देखता है उसका जितना फसल बना था वो भी बारिश से ख़त्म हो गया, तो उसी जगह बहुत सारे किसान खेती में खुदकुशी किया। बहुत सारे किसान खेती में जाके वो देखने का बाद सदमा में सी हट फेल करके मार रहे हैं। तो ये जो पूरा है ये खुदकुशी चलता रहा है। और सरकार इतना निर्दय है कि स्वीकार नहीं करता। सरकार बोलता है बीमारी से मर गया, इससे मर गया, कोई कोई कारण दिखाता है। जो आज खेती के कारण, नुकसान के कारण मर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, बहुत सारे केस को सरकार स्वीकृति नहीं कर। दूसरी बात है, सरकार कोई कॉम्पेंसेशन दे नहीं रहे। जितना कॉम्पेंसेशन इसको देना चाहिए, मिनिमम कुछ कॉम्पेंसेशन, वो भी दे नहीं रहे। उसके वजह से खेती लगातार घाटे का सौदा बन रहा है और महाराष्ट्र में पूरा देश के साथ किसान बहुत ही दुख के साथ किसी तरह जी रहा है। इसके खिलाफ किसान सभा एक भारी आंदोलन करना ही योजना बनाया है। लागत खर्चा घटाओ, सस्ता में बीज, धान बीज हो, खाद हो, सरकार सप्लाई करे। मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक, खर्चा प्लस 50%, सी प्लस 2, इस मुताबिक उसको पैसा दे। 4% ब्याज में उसको सरकारी ऋण मिले। ये जो बातें हैं इसके लेके पूरा देश में किसान सभा जो आंदोलन हम करने जा रहा है, ये महाराष्ट्र किसान सभा भी इस आंदोलन में योजना बनाएंगे। कल महाराष्ट्र किसान सभा का स्टेट काउंसिल का मीटिंग है। कल मीटिंग में महाराष्ट्र का जो किसान का समस्या है, ऑल इंडिया के साथ साथ महाराष्ट्र का किसान का विशेष समस्या है, वो हम यहाँ चर्चा करेंगे। और जुलाई महीना का 9, 10, 11, ये जुलाई महीने का 3 दिन, 9, 10, 11 जुलाई वर्धा में जो हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का ऑल इंडिया काउंसिल का मीटिंग होगा, वहाँ भी हम पूरा देश के किसान समस्या लेके चर्चा करके अगले लड़ाई का योजना तैयार करेंगे।